खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस बीजेपी में टिकटों को लेकर सस्पेंस का दिन है, तो चुनावी मौसम में आज का दिन नेताओं के दल बदल का रहा। यूपी में बीजेपी के सांसद श्याम चरण गुप्त को समाजवादी पार्टी ने बांदा सीट से उतार दिया, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने आज राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के दिग्गज बीसी खंडूरी के बेटे कांग्रेस में गए। बीजेपी के सांसद श्यामा चरण गुप्त पहुंच गए समाजवादी पार्टी में और जेडीएस के महासचिव दानिश अली गए बीएसपी में। चुनावी बेला पर दल बदल का ऐसा मौसम आया है कि नेता कहीं के कहीं गिर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज और उत्तराखंड के दो बार के सीएम रहे भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने आज कांग्रेस में लैंडिंग की। देहरादून में राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। वो मंच पर राहुल गांधी से गले मिले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खंडूरी जी यहाँ क्यों है। देखिए, खंडूरी जी के पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दी, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में एक सवाल पूछ लिया, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पूछा। खंडूरी जी को उस कमेटी के चेयरमैनशिप से नरेंद्र मोदी ने हटाया। क्या खंडूरी जी ने गलती की? देशभक्त को पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से उठा के फेंक देते। बीजेपी में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। उसके मन में जहां आएगा जवान लड़का है, तो इसमें कुछ आश्चर्य क्यों, सवाल ये क्यों उठना चाहिए? मुझे अपने आप में आश्चर्यजनक लगता है। चला गया जहां उसकी मर्जी हो, जहां जाएगा, जिसमें जहां जाएगा, इसका जरूरत थोड़ी है खानदानी पेशा तो नहीं, तो जहां चला गया। मुझे तो कोई इसमें सवाल में भी कोई आश्चर्य लगता है, क्यों सवाल आना चाहिए, ऐसी ये बात क्यों उठनी चाहिए, क्यों चला गया, चला गया उसकी मर्जी हो, चला गया। बीजेपी के खेमे में ये कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो यूपी में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने झटका दिया। प्रयागराज से बीजेपी के सांसद श्यामा चरण गुप्त ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। एसपी ने भी तुरंत फुरत में श्यामा चरण गुप्त को बांदा से पार्टी का टिकट थमा दिया। बताते हैं कि बीजेपी में श्यामा चरण गुप्त पर टिकट कटने की तलवार लटक रही थी। बीजेपी के लिए आज एक अच्छी खबर ओडिशा से आई। ओडिशा के नवरंगपुर से बीजेडी सांसद बलभद्र मांझी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने हाल ही में नवीन पटनायक की पार्टी से इस्तीफा दिया था। चुनावी मौसम में दल बदल की आंच देवेगौड़ा की पार्टी पर भी पड़ी। जेडीएस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता दानिश अली ने बीएसपी का दामन थाम लिया। उन्हें सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी ज्वाइन करा ली। आज हम लोगों को खुशी है इस बात की कि दानिश अली जी आज उन्होंने जनता दल एस को अपने में छोड़ करके और आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मेरी जो ऊर्जा है वो बहन जी के मिशन के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा, माननीय काशीराम जी ने जो सपना देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपना देखा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जो संघर्ष और सपना था, उन सबको साकार करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मैंने कबूल किया है और मैं शामिल हुआ हूँ। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। लगभग दो महीने के चुनाव में अभी तो राजनीति के कई और रंग देखने को मिलेंगे।